हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपको स्वागत कर देते हैं बहुत इजी क्लासेस में लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। ये है चैप्टर नंबर 1 का एपिसोड नंबर 3 और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हम दो वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, अगर नहीं देखा देख लो, मन कर रहा तो देखना, जबरदस्ती नहीं। तो आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो होंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस विच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है चार्ज, और फील्ड का मतलब क्या होता है बताओ उसके आसपास का एरिया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, मैं चाहूँ तो एक मिनट में डेफिनेशन लिखा सकता हूँ आपको, लेकिन अपन चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा भाई क्या आ जावे, फील आ जाए, है ना। इसलिए ये वाली सीरीज अपन ने स्टार्ट करी है। क्या नाम है सीरीज का? तरंग सीरीज। तरंग का मतलब पता है क्या होता है? तरंग का मतलब अंग अंग में तरंग जोड़ जानी चाहिए, वेव। तो चलिए शुरू करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको चार्ज, फील्ड का मतलब क्या होता है उसके आसपास का एरिया। चलो सब ठीक है, हम देख चुके हैं कि सर दो जो चार्जेज हैं वो दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर या तो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स या तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है, वो डिपेंड करता है नेचर पर। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ, वो रिपेल करते हैं। समझ आ रही बात नहीं है? और रिपल्सन बिना टच किए हुआ हो रहा है, बिना टच किए हुए हो रहा है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूर से ही या तो अट्रैक्ट हो जाता है या रिपेल हो जाता है, यानी कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। चार्जेस क्या कर रहे हैं? बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लगा रहे हैं यार, इसका मतलब वो क्या चीज़ लेकर के घूम रहे हैं अपने आसपास? अपने आसपास एक ऐसा तगड़ा फील्ड लेकर घूम रहे हैं जिसमें कोई दूसरा चार्ज फील कर लेता है, क्या कर लेता है? फील कर लेता है उसकी प्रेजेंस को, कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा चार्ज घूम रहा है। मान के चलो आप किसी शादी में गए, आपकी आपके किसी रिश्तेदार से नहीं बन रही है ना, तो आप उसको अरे यार वहाँ खड़ा है, तो आप चुपचाप ही निकल लोगे पतली गली से, निकल लोगे नहीं? उसने कौन सा फोर्स लगाया आपके ऊपर? रिपल्सन फोर्स लगाया। क्या आप गए कि उसके पास में, ये पास में गए हो पर तुम्हें तो एकदम पछाड़ी हुई हो तगड़ी वाली? नहीं होता। समझ आ रही बात नहीं आ रही? यानी उसका एक फील्ड है, उसका एक फील्ड है, उसको देखते क्या होगा, उधर से निकल लेगा, ओए यार ये भी आए कि यहाँ पे ऐसे निकलना चाहिए, आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए। तो मैं तो एक टॉपिक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो समझ आया बात नहीं आया? देट मीन्स प्रेजेंस को वो क्या कर लेता है? फील कर लेता है। अब देखो थोड़ा समझते हैं, मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक फील्ड लेकर के घूम रहा है अपना, कि भाई ये मेरा फील्ड है, अगर इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया तो मैं इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा दूंगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दूंगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सामने वाले की नेचर पे। अगर वो इसके जैसा हुआ तो क्या कर देगा उसको? रिपेल। अपोजिट नेचर का हुआ तो ये क्या कर लेगा उसको? ये कर लेगा उसको अट्रैक्ट। देख बेटा सोच, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आराम से बैठा हुआ अपना फील्ड लेके, अपना फील्ड लिया हुआ इसने, कि भाई इतने फील्ड में कोई भी नहीं आना चाहिए। ये फील्ड किसका है? इतना ये मेरा फील्ड है, इतने फील्ड में कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है साहब। अब दूसरे चार्ज आया, दूसरा चार्ज ये चलता आया भाई, आया 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 आया, जैसे ही ये चार्ज इसके फील्ड में एंटर हुआ, ये त्रिश हो गया एंटर, तो बताओ ये क्या कर देगा इस पर? ये देखेगा, अच्छा ये तो मेरे जैसा है, ये क्या देखेगा? ये तो मेरे जैसा है, चल रिपेल कर देगा इसको, आंखों से निकल जा मेरी नज़रों से दूर। कौन सा फोर्स लगा देगा इस पर? रिपल्सन फोर्स लगा देगा। लगा देगा नहीं लगा देगा भाई? प्लस क्यू चार्ज पर। सुनते जाओ, घबराओ मत, घबराओ मत। सोच अगर माइनस क्यू चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया? माइनस क्यू चार्ज आया, तो माइनस क्यू चार्ज जैसे ही इसके फील्ड में एंटर होगा तो ये इसको उसको अट्रैक्ट कर लेगा। आजा 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 आजा, समझ आ रही है बात नहीं आ रही है? माइनस चार्ज को तो क्या कर लेगा ये? अट्रैक्ट कर लेगा, और प्लस चार्ज को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। अच्छा सर, तो क्या ये इसके फील्ड में अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? हाँ, अगर चार्ज यहाँ पर बैठ गया, ये वाला प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर बैठ गया? यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया कि हाँ भाई, तो ये इसको है ना देखता ही रहेगा, ये वाला चार्ज इसको देखता ही रहेगा, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही भाई साहब ये वाला चार्ज ने इसमें एंट्री मारी तो ये तुरंत कौन सा फोर्स लगा देगा? रिपल्सन फोर्स लगा देगा। जैसे आप लोगों के मोहल्ले में डॉग्स वगैरह घूमते होंगे, डॉग्स कुत्ते जिनको बोलते हैं, ठीक है, डॉग्स वगैरह घूमते हैं, डॉगी घूमते हैं, नहीं घूमते, तो आपने देखा होगा डॉगी भाई, उनका एक वो रहता है, सिस्टम रहता है कि भाई ये अपना मोहल्ला है, ये अपना एरिया जो अपने को संभालना है, पांच छह लोग मिल गए, पांच छह कुत्ते मिल गए, उन्होंने अपना संभाल लिया कि इतने एरिया में कोई दूसरा कुत्ता नहीं आना चाहिए, ठीक है साहब।
अब बताओ उन्होंने एरिया डिवाइड कर लिया, मान के चल लो ये एरिया डिवाइड कर दिया। अब इस एरिया के अंदर क्या देखेंगे, अगर कभी कभार कोई दूसरा कुत्ता आ गया गलती से, कोई दूसरा कुत्ता, कोई दूसरा डोगी उसके अंदर एंटर कर गया, ये आ गया आ गया आ गया, तो भाई साहब सारे के सारे डोगी मिलकर उस पर कौन सा फोर्स लगा देते हैं बताओ, रिपल्सन फोर्स लगा देते हैं, इतना तगड़ा भोंकते हैं उसको, परेशान कर देते हैं, वो बावला हो जाता है कि क्या हो गया, कहाँ फंस गया मैं, किसके एरिया में आ गया, यानी वो फील उस पता नहीं रहता उसको बेचारे को, है ना, कि आगे नहीं आ गया, वो अगर फंस गया तो सारे कुत्ते उसको भौंक भौंक के क्या कर देंगे, उसको अपने फील्ड से बाहर निकाल देंगे, वहाँ तक छोड़ के आते हैं भाई, वो फील्ड तक छोड़ के आते हैं, देख लेना आप लोग, डोगी हमेशा अपना एरिया लेके घूमता है, इस लाइन के आगे छोड़ देंगे और डोगी इसके आगे नहीं जाएगा कभी भी, चाहे वो यहाँ बैठा रहे दूसरा डोगी, वो दूसरे ये वाले डोगी जो हैं जिनका एरिया है वो अपने एरिया से आगे नहीं जाएंगे, है ना। इसी तरह चार्ज है भाई, चार्ज भी क्या लेके घूम रहा है, अपना एक एरिया लेकर घूम रहा है, और क्या कहता है ये कि भाई अगर कोई दूसरा चार्ज आया सीधी सी बात है अपन तो फोर्स लगाएंगे। अब देखो एक बात गजब की बताओ, ये देखो इसको ये है भाई, ये क्या कर दिया मैंने, चलो घबराओ मत, देखो 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 देख बड़ा देख यहाँ पर मैं कौन सा चार्ज लेकर आया, प्लस क्यू। एक बात बता, ये अपना फील्ड लेकर घूम रहा है तो ये कम थोड़ी है, इसके पास भी तो अपना फील्ड होगा नहीं होगा, ये भी तो अपना फील्ड लेकर घूमेगा भाई, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मान के चल रहे ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो ये कम थोड़ी है, ये भी तो चांटे देकर आएगा, इसमें मेरे को मारेगा तो तड़ाक तड़ाक होगा नहीं होगा ऐसा। अब अपने को तो यार बाबू सिंगल चार्ज पे स्टडी करनी है, किस पे स्टडी करनी है, सिंगल चार्ज पे, कि एक अकेला चार्ज क्या कर रहा है, और जो अकेला चार्ज कर रहा होगा वही सारे चार्ज कर रहे होंगे, समझ रहे हो बात को, अपने को सिंगल चार्ज की स्टडी करनी है। तो भाई यहाँ पे तो देखो मिक्स फील्ड हो गया, अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि किसका फील्ड ज़्यादा है, समझ आ रही बात नहीं आ रही, यानी कौन ज़्यादा ताकत लगा रहा है। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था बेटा माइकल फेराडे, क्या नाम था, माइकल फेराडे। अब आप याद करो एपिसोड नंबर 1 में जाके चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुआ करती थी बताओ, माइकल फेराडे, क्या हुआ करती थी, माइकल फेराडे, जिसको बोलते थे अपन लोग फेराडे, और 1 फेराडे में कितने कूलम होते थे बोलो, 96,500 कितने होते थे, 96,500 कूलम। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, मैंने बताया था क्वेश्चन है ना ये 1 मार्क्स का देखा जाए तो, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, फेराडे। तो फेराडे पता चला कहाँ से आया, ये फेराडे की एंट्री हो चुकी है, इससे पहले फ्रैंकलिन कूलम उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, वो भी यूनिट हुआ करती थी, तो यहाँ एंट्री होती है अपन के फेराडे अंकल की। फेराडे ने क्या कहा, यार ऐसे तो अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक इमेजिनरी चार्ज लिया और उस इमेजिनरी चार्ज को बेटा नाम दिया उन्होंने टेस्ट चार्ज का, किसका नाम दिया, टेस्ट चार्ज का, किसने दिया भाई ये, माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने क्या किया, माइकल फेराडे ने एक चार्ज को इमेजिन किया, किसको इमेजिन किया, एक चार्ज को इमेजिन, और उस चार्ज को नाम दिया बेटा टेस्ट चार्ज, क्या नाम दिया उसको, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करा उन्होंने क्यू नोट से, किससे रिप्रेजेंट करा, क्यू नोट, और क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई उन्होंने, कहा कि जो टेस्ट चार्ज है ये एक ऐसा चार्ज है जिसकी नेचर कैसी लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, जिसकी नेचर कैसी होगी बोलो, पॉजिटिव। उन्होंने कहा टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉइंट क्या माना उन्होंने कि टेस्ट चार्ज जो है वो वेरी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल चार्ज होगा, है ना, बिल्कुल स्मॉल चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल या फिर इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या माना इन्होंने कि भाई इसका ना तो खुद का कोई फील्ड होगा और ना ही ये किसी दूसरे के फील्ड को इफेक्ट करेगा, यानी इसका ना तो खुद, इट डज नॉट हैव इट्स ऑन फील्ड एंड डू नॉट अफेक्ट द अदर फील्ड्स, ये दूसरे के फील्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही इसका खुद का कोई फील्ड होगा। इसका मतलब ये सीधा साधा चार्ज इन्होंने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या फिर इमेजिनरी चार्ज। किसने बताया, माइकल फेराडे ने, किस लिए बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डेफिनेशन बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उससे पहले एक बात देखो, इसको तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज बोलेंगे इसको, टेस्ट चार्ज, ठीक है सर। तो जिस चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है, उसको क्या बोलोगे सर आप, उसको बोलेंगे बेटा सोर्स चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स चार्ज, उसको बोलेंगे अपन लोग सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज को
ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू नोट से। नेचर कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसा होगा ये? बहुत स्मॉल होगा, इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब देखो एक बार सोर्स चार्ज की मैं बात करता हूँ, मान के चल लो ये कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसका ये फील्ड है, इसका आसपास क्या है? एक फील्ड है। इस फील्ड में मुझे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहाँ पर मैं किसको ले जाकर रख दूंगा बोलो? टेस्ट चार्ज को ले जाकर के रख दूंगा। और जहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज को ले जाकर रखूंगा तो देखूंगा टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो वो पूरा का पूरा फोर्स कौन लगाएगा बोलो? सोर्स चार्ज लगाएगा। वो पूरा का पूरा फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज लगाएगा। समझ आई बात नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? देखो ये कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। इसके आसपास का एक ऐसा फील्ड जिसमें अदर चार्जेस फील करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो डेफिनेशन क्या होगी? द फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्जेस फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। दिस फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब एरिया, मतलब चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरे चार्जेस फील करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई भी बात नहीं आ गई? देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं, शुरू करते हैं हम यहाँ से अपन लोग शुरू। वो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया आप लोगों के? किसी चार्ज के आसपास का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज फील करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्सन को। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए क्या दे दिया उसने अपने को भाई? टेस्ट चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? टेस्ट चार्ज। मान के चल लो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू का मतलब कौन सा चार्ज हो गया अपना? सोर्स चार्ज। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो टेस्ट चार्ज को लो और यहाँ पर रख दो। टेस्ट चार्ज को लेंगे और अपन लोग यहाँ पर क्या रख देंगे? पुट कर दो उसको। कर दिया। यहाँ रखने के बाद बताओ ये इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा? यानी ये किधर भागेगा? इधर भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा? अच्छा टेस्ट चार्ज को लो। मैंने कहा भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पर क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यहाँ पर इसका फील्ड कितना है? फील्ड तो ये बेटा इसका पूरी तरफ है, लेकिन कितना ये फोर्स लगा रहा है? क्या ये मान के चलो ये इसका फील्ड है, ये किसका फील्ड है भाई? इस चार्ज का फील्ड है। तो क्या ये पूरे फील्ड में सेम फोर्स लगाएगा? क्या बताओ? पूरे फील्ड में सेम फोर्स लगाएगा या फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी? चेंज होती जाएगी बेटा। कैसे होती जाएगी? देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों ये पास में रखा हुआ है तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। मान के चलो क्यू चार्ज को मैंने को बिल्कुल यहाँ पर रख दिया, मैंने कहा यहाँ पर इंटेंसिटी, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर। यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा? और ज़्यादा लगेगा। और चार्ज को रख दो, मान के चलो यहाँ रख दिया अपन ने दूर, कितना रख दिया यहाँ पर? दूर रख दिया क्यू नोट चार्ज को। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? और कम लगेगा। ये जो एरो का जो साइज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स के मैग्नीट्यूड को। सबसे ज़्यादा फोर्स बताओ कहाँ लग रहा है? पास में। यानी चार्ज जितनी पास होगा वहाँ पर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और फोर्स जो लग रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो? फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर चार्ज बिल्कुल पास में है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, चार्ज अगर दूर गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी बोलो? कम होती जाएगी, 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 और इन्फाइनाइट पे जाके कितनी हो जाएगी? जीरो। इन्फाइनाइट पे क्यों होगी अभी मैं बताऊंगा आपको सारी बातें। समझ में आ गई? नहीं आ गया? तो ये एरो का साइन तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। ये बताया बेटा माइकल फेराडे ने। किसने बताया? ये माइकल फेराडे ने। और माइकल फेराडे ने ये जो लाइन्स बनाई इमेजिनरी लाइन्स, इन लाइन्स को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या माइकल फेराडे इनको बुलाते थे बेटा लाइन ऑफ फोर्सेस। लेकिन आज के टाइम पे इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन माइकल फेराडे क्या बुलाते थे इनको? लाइन ऑफ फोर्सेस। क्यों बुलाते थे वो? क्योंकि भाई टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है उसी के हिसाब से उन्होंने कह दिया क्या? लाइन ऑफ फोर्सेस। बात अभी समझ में नहीं आ गई यहाँ तक? क्लियर है भाई? क्या बताया मैंने आपको कि ये जो चार्ज है इसके आसपास का एक फील्ड होगा जिस पर क्या लगेगा? फोर्स लग रहा है। तो एक बात अपने को पता चली कि सर जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का जो फील्ड है उस फील्ड में तो वो अलग अलग फोर्स लग रहा है। अगर चार्ज को मैं एकदम पास रख दूंगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लग रहा है। और चार्ज को दूर रख दो तो फोर्स कितना लग रहा है? कम लग रहा है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज पर कितनी ताकत से या कितनी इंटेंसिटी से फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए देखो। मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, लेट सपोज दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज। बताओ ये कौन सा चार्ज होगा अपना? सोर्स चार्ज होगा। शाबाश, कौन सा चार्ज होगा बेटा? ये सोर्स चार्ज। ठीक है,
अपन को अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो इस चार्ज का एक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? देखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की से डायरेक्शन किधर होगी? तो बेटा डायरेक्शन किधर होगी बताओ? फोर्स की डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर आएगी बताओ? पॉजिटिव की वजह से, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन आ रही है किधर आएगी बोलो? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सुनना भाई एक क्वेश्चन, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज। सुनो अवे फ्रॉम क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा इसकी वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ या फिर इमेजिनरी लाइंस। तो देखना एक बार, यहाँ पर अपन ने रखा टेस्ट चार्ज। किसको रखा यहाँ पर? टेस्ट चार्ज को। मैंने कहा यहाँ पर पता लगाता हूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो बताओ ये इसको इधर रिपेल कर देगा नहीं करेगा? चल भाग जाए यहाँ से, टेस्ट चार्ज का दिमाग खराब सीधा है ना ये, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो गरीब हो गया ये, तो हर कोई थप्पड़ देके भगा रहा है इसको। ये सोचेगा यार इधर से तो एंट्री नहीं है, ये घूम के आएगा इधर से, आएगा इधर से, चलो मान लो यहाँ से आने की कोशिश करेगा ये, तो ये इधर से भी क्या कर देगा बोलो? चलो ये क्या सोचेगा, चलो इधर से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इधर से चलते हैं। ये इधर से रिपेल, ये जहाँ से आएगा वहीं से क्या लगेगा बोलो? इस पर रिपल्जन फोर्स लगेगा। ये चाहे कहीं से भी आ जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है तो क्या लगेगा बोलो? रिपल्जन फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आया बोलो? अवे फ्रॉम द चार्ज। दैट मीन्स फॉर अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कैसे हो गई बेटा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है बताओ? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव की बजाय अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता, कौन सा चार्ज ले लेता है यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज। मान के चलो यहाँ पर कौन सा चार्ज ले लेते हैं अपन लोग? नेगेटिव। तो देखना एक बार, यहाँ ले दूँ बेटे, ये देख बोर्ड छोटा है यार, घबराना मत। यहाँ नेगेटिव चार्ज ले दिया अपन ने। अच्छा, टेस्ट चार्ज जब प्लस क्यू के फील्ड में आया तो हर जगह से क्या मिला इसको? चलो चलो चलो, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। लेकिन माइनस चार्ज कैसा है बोलो? माइनस चार्ज क्या कहेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देख, ये क्यू चार्ज यहाँ आया तो इसको यहाँ से भी बुलाएगा, आ जा आ जा आ जा। ये यहाँ पर आया तो यहाँ भी बुलाएगा, ये यहाँ से आएगा, ये भी पूरा है। इसका दिमाग खराब किया यार, ये बोला कैसे रहा? तो ये जगह जगह से आकर के देखेगा। कैसे देखेगा? जगह जगह, अबे तेरे को बुला लिया, चुपचाप जाके बैठ गया, नहीं नहीं नहीं, फिर दोबारा जाता है। अच्छा, ये सोचता है यार अब की बार इधर से आता हूँ तो यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा इसको। ये सोचेगा यार यहाँ से आता हूँ, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। ये सोचता है यहाँ से आऊँ तो यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज इसको क्या कर रहा है बोलो? अट्रैक्ट कर रहा है। और अट्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन की तरह ये बोलो, जिधर की फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही कौन सी किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। भाई ध्यान सुन लेना, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसको बोल सकते हैं आउटवर्ड्स, इसको बोल सकते हैं इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में बताओ? फोर्स की डायरेक्शन में। बात आ गई समझ में? नहीं आ गया? तो सबसे पहले हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक दूसरा टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है? कि टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या आता बेटा इसका? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? फॉर्मूला क्या आया? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे ना, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी होगा। अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। यूनिट आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो? इसकी मैं बोलूं एसआई यूनिट बताओ,
बताओ क्या होगी? न्यूटन अपॉन कूलम, दो साइंटिस्टों के नाम आ गए भाई, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट के नाम है, यूनिट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है अगर साइंटिस्ट के नाम पर हो तो न्यूटन अपॉन कूलम ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है बता बेटा? न्यूटन अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बता? ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये न्यूटन अपॉन कूलम हो गया हमारे पास में, ठीक है साहब। अच्छा सर इसकी डायमेंशन और बता दो आप तो मजा आ जाएगा, क्या बता दो आप लोग इसकी डायमेंशन? ये देख शॉर्टकट में लिख दिया ना डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालते हैं बता बेटा? चार्ज, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। जो बच्चा सबसे कमजोर है, जो बच्चा सबसे कमजोर है उसको भी फोर्स की डायमेंशन तो आनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन देख कितनी होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू चार्ज कूलम। चार्ज, चार्ज क्या होती है बता? आई टी, आई का मतलब क्या हो गया? एम्पियर। चार्ज की भी याद रख ले बेटा क्योंकि पूरी कहानी चार्ज पे चल रही है, तो ए टी याद रख ले, ए टी क्या याद रख ले इसको? ए टी याद रख लो, रख लो है ना, रख लो इज्जत। देख इधर एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू है बेटा ऊपर, और नीचे कितनी है बोल? प्लस की वन, तो प्लस की वन ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बता? माइनस की हो जाएगी, प्लस की देख, टी की पावर प्लस वन नीचे है, टी की पावर वन ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बता? माइनस की हो जाएगी, और टी की पावर माइनस टू पहले से ही है तो माइनस टू माइनस वन कितनी हो गई बोल? माइनस के थ्री। ए की पावर वन नीचे है तो ए की पावर वन ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी बता? माइनस की। तो ये क्या आ गई बेटा इसकी डिमेंशन आ गई, क्या आ गई इसकी? ये डायमेंशन आ गई। समझ में आया नहीं आया? दो टॉपिक अभी तक मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो लेकिन मजा जरूर आ जाएगा आपको, यानी घर पे खाली आपको 10% स्टडी करनी है, 90% तो अपन यही कवर कर लेंगे। समझ आ गई नहीं आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर, समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस माइना चलिए भाई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेरिवेशन आपके सामने आने वाला है। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या सर? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करो आप लोग? फाइंड करो। तो पॉइंट चार्ज की वजह से अपन लोग क्या निकालने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। अच्छा डेरिवेशन है, शुरुआत होती है अपन की यहीं से। क्या है हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या सर? इंटेंसिटी तो अपने को पता चल गई, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होती है, लेकिन ये बता दो चलो फील्ड कितना होता है तो मजा ही आ जाएगा। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आया मेरे पास। कि सर चलो ये तो आपने बता दिया, इसमें तो बहुत मजा आ गया हमारे को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कि टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो कि अगर दोनों चार्ज पास होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दोनों चार्ज दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा। अब ये कैसे पता लगाएं सर हम? ये कैसे पता लगाएं कि भाई कितना फोर्स लगेगा, कितनी डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगेगा? तो वही पहला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज देर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये मान लो पॉइंट ओ पर है, इससे आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर बेटे? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ये ले बेटा तेरी मुराद मैंने कर दी पूरी। कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके बताओ। क्या करके बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके बताओ। तिरछा जा रहा है क्या थोड़ा सा? ये मोबाइल न्यू कर ले, है ना, कोई बात नहीं, ले चल मैं कर देता हूँ इसको यार। अबे तेरी सीधी लाइन खींचता हूँ देख। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितनी डिस्टेंस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड होगा कितना? कितना भी हो सकता है फील्ड, हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा मैंने कहा भाई इसकी वजह से आप तो यहां पर बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां बताओ सर, जहां जहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जहां देख इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या बताया माइकल फैराडे ने? बता दे कि जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना, वहां किसको ले जाकर रख दे बता? टेस्ट चार्ज को। तो ये देख यहां पर रख दे टेस्ट चार्ज को, रख दिया टेस्ट चार्ज। ओहो, टेस्ट चार्ज की जो नेचर है वो कैसी है बता? पॉजिटिव।
तो ये इसको ये देखिए सोर्स चार्ज, ये अपना फील्ड लेके बैठा है। तो बता ये इसको किधर की तरफ रिपेल करेगा, कि सर इधर रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स किधर लगाएगा, इस पर इधर लगाएगा, पॉजिटिव की वजह से ये दूर भागेगा। दूर भागेगा मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने निकाल दी किधर, इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा इसके पहले थ्योरी लिखने ना, आप लोग क्या लिखोगे, लेट सपोज अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू इज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होती है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बट एक तरीका करेंगे अपन लोग, अपन क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे कोई भी डेरिवेशन, उससे क्या थोड़ा टिपिक मतलब देखने में थोड़ा कड़क कड़क सा लगता है, दिल घटा सा जाता, मतलब घबराहट सी होने लग जाती है ना। देख बहुत ईजी क्लासेस, तो ईजी वे में पढ़ेंगे अपन लोग, कैसे, पहले पढ़ेंगे सर हम स्केलर फॉर्म में और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वेक्टर में। ठीक है भाई, तो E इज इक्वल टू पता क्या है मेरे पास में, F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है सर, F अपॉन क्यू नॉट आपने लिख दिया, मजा आ गया। देख एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों चार्ज पता कितनी डिस्टेंस पर, कि दोनों चार्ज सर r डिस्टेंस पर, दो चार्ज जब r डिस्टेंस पर हो तो कौन सा फोर्स लगता है बता, कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देख F की वैल्यू कितनी होगी बता दे, K, Q1 कितना है बोल Q, Q2 कितना है Q नॉट, डिस्टेंस कितनी है r, तो ये r स्क्वायर। ओहो सर मजा आ गया, F की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, कि सर कर दो पुट, ये ले बेटा कर दी मैंने, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दी मैंने, इसके अंदर कर दी, नीचे क्या है बता, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्यू नॉट को खा गया, क्यू नॉट को खा गया, क्या बचा बता, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा तुम्हारा फॉर्मूला, और अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये चलेगा आगे तक। बात आई, समझ में नहीं आई, क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, तो कितना आया बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे सर ये तो मजा आ गया, तो डिस्टेंस आ गई भाई, भाई इधर देख देख देख, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू द के क्यू वन क्यू टू अपॉन सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बोलो कौन सी फॉर्म हुई इसकी, स्केलर फॉर्म। अब मैं वेक्टर फॉर्म हम लिखूंगा, कौन सी फॉर्म लिखूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म बता, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू के तो स्केलर है क्यू भी और ये आर स्क्वायर। बता दें भाई डायरेक्शन किधर लेंगे हम लोग, डायरेक्शन के लिए एक चीज़ होती है बेटा यूनिट वेक्टर, जिसको बोलते हैं कैप, याद है आप लोगों को, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, y डायरेक्शन में j कैप, z डायरेक्शन में k कैप। इसी तरह हम यहाँ पर खड़े थे, हमने यहाँ से चले डिस्टेंस की तरफ, कि भाई r डिस्टेंस ये रही, अपन किधर चल रहे हैं डिस्टेंस की तरफ, और बता डायरेक्शन जो आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी किधर आ रही है, डिस्टेंस की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, r कैप, क्या लगा दूंगा यहाँ पर, r कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। दो फॉर्मूले आ चुके हैं बेटा, घबराना बिल्कुल मत, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। ये तो क्या है, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, और क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, दिस इज द फील्ड ड्यू टू द चार्ज, भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या सर आपने तो प्लस क्यू से कर दिया, अगर माइनस क्यू दे देगा तो क्या करेंगे, अगर माइनस क्यू दे देगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। माइनस क्यू दे देगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अपन ने फॉर्म ही कैसे निकाली है बता, स्केलर, स्केलर में तो डायरेक्शन ही तो चेंज होगी खाली। सोच के देख, यहाँ पर मैं माइनस क्यू चार्ज ले लेता इसकी जगह, चल प्लस क्यू की जगह मैं क्या ले लूँ बोल, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बता इस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा बस खाली, अपनी तरफ क्या करेगा, बुलाएगा, आ जा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा, दैट मीन्स हम डायरेक्शन किधर ले रहे हैं, आर, और ये किधर आएगा बोल,
माइनस आर कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस के आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बोलो, माइनस के आर कैप हो जाएगी। बात आ गई समझ में, नहीं आ गई? तो ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अगला लिख लेना, नोट डाल के, नोट डाल के वाला डायग्राम बनाओगे पहले, उसके बाद क्या लिखोगे, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। तो देखिए वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के आर के ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। बोल दे भाई यहाँ तक कोई परेशानी हो तो। अब चैप्टर हो गया है शुरू, बस ये टॉपिक अगर तेरे को समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक की मेरी गारंटी है किसी में ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी मेरे को, पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा इस वाले फॉर्मूले से। अब मेहनत नहीं करनी अपने को, जितनी करनी थी, जितना फील लेना था वो इस वाले वीडियो में ले लिया। अब आगे तो चैप्टर ऐसा स्मूथ चलेगा, ओहो मजा आ जाएगा तुम्हारे को। जैसे तुम लोग कभी वाटर पार्क गए होगे, वाटर पार्क वहाँ पे ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों पे, चढ़े फिर ऊपर स्लाइड पे बैठ जाते हो, चढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, फिर स्लाइड पे बैठने के बाद चाहे 5 मंजिल पे चल जाओ, सू जैसे उतरते हो ना, तो अभी बेटा अपन टॉप पे जा चुके हैं। मैंने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया है, स्लाइड तक पहुँचा दिया। अब तो क्या करना है, स्लाइड पे बैठना है, पानी का प्रेशर आएगा, आप नीचे चूं ऐसे उतरेंगे, बिल्कुल चैप्टर चलेगा स्मूथली। अगर आपने तीनों एपिसोड देखे हैं मेरे वाले, तो एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, तब आपको आने लगेगा फील, बदन में दौड़ जाएगी तरंग, दिमाग में लगेगा कि हाँ यार फिजिक्स तो बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है ना। वीडियोस की लेंथ मत देखो भाई कि सर यार ये 1 घंटे की, लोग 15-15 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे की आ गई, 2 घंटे की आ गई, ऐसा मत करो। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? छोटी वीडियो देखनी है, टिकटॉक डाउनलोड कर लो VPN से, है ना, वहाँ छोटी वीडियोज़ देखो, तेरी कारी दो अखियाँ करके इस तरह जो भी आपको करनी, ज़िंदगी बर्बाद। समझ आ गई कोई बात, नहीं आ गई? ए सर काय की ज़िंदगी बर्बाद, टिकटॉकर आपसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ ये बात तो है यार, टिकटॉकर के करते ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप इतने पढ़ लिख गए फिर भी इतनी बेगम हो, सही बात है यार। चलो तो देखो भाई फटाफट से, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला फॉर्मूला आया मेरे पास, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताओ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर हो गया तो क्या लगा दूंगा मैं, आर कैप। अच्छा के की वैल्यू तो आप सारे लोग जानते हो ना भाई, अगर मीडियम क्या है बेटा, एयर है, मीडियम क्या है, एयर, तो बताओ E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है बेटा के। अबे याद है कि नहीं है, के इज इक्वल टू 1/4πε0 के। सर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया क्या, आ गया कोई दूसरा मीडियम, एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 1/4πε0 किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, εr से, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। क्या होता है डिटेल में देखना है तो भाई जाओ पुराना वीडियो देखो, उसमें सब कुछ परमिटिविटी बहुत तगड़े तरीके से बताइए उसके अंदर, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे खाली εr से। नहीं जाने का मन हो रहा तो यहीं देख लो वापस से, εr और मीडियम होगा तो खाली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, εr से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। इसमें अगर देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो K तो कांस्टेंट रहेगा, क्यू भी कांस्टेंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। समझ गए ना, अगर चार्जेस पास हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, चार्जेस दूर 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 फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा बोलो, कम होता जाएगा। और कब जाके इनफाइनाइट, देखो आर की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बोलो, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो कितनी है बेटा, इनफाइनाइट रेंज है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो कैसा आएगा, समझ आ गया, इनफाइनाइट पे जाके क्या कर दो इसको, जीरो कर दो, दिस इज द ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहाँ तक कंप्लीट। तो भाई ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्जेस कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कि सर एक चार्ज की बजाय अगर बहुत सारे चार्ज आ गए, बहुत सारे चार्ज आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो याद करो बेटा एक की बजाय अगर बहुत सारे आ जाते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं हम लोग,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी एक के बजाय बहुत सारे आ गए, ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो एक का पता होना चाहिए। अगर मुझे एक का पता है तो मैं बहुत सारे की वजह से भी इजीली निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। ठीक है चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई देखते चलना, मान के चल लो बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पर Q1 भी बैठा हुआ है, यहाँ पर Q2 बैठा हुआ है और यहाँ पर Q3 बैठा हुआ है, तीनों चार्ज हैं। चलो और ले लो Q1 Q2 Q3 और N चार्ज ले लेते हैं, N का मतलब कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस बैठे हुए हैं और इन सारे चार्जेस की वजह से मुझे किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉइंट P, मैंने कहा ये सारे चार्ज मिलकर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो वही वाली स्टाइल से करेंगे अपन तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि भाई हमें तो सर ने एक का बताया है कि अगर क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है बता दो भाई, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो अपन तो उसी स्टाइल से करेंगे कि भाई ये रहा चार्ज Q1, इस पॉइंट पर पूछा है कि मान लो ये वाला पॉइंट क्या मान लेता हूँ मैं P, तो इससे बताओ Q1 की वजह, तो यहाँ पर मैं किसको ले जाकर रख दूँ टेस्ट चार्ज को, तो ये तो बताओ इसको किधर भगाएगा, इस डायरेक्शन में भगाएगा, इसका मतलब Q1 की वजह से बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, वेक्टर ई पर मान लेते हैं। अच्छा इनकी डिस्टेंस भी मेरे को पता होनी चाहिए, चलो ऑब्जर्वेशन पॉइंट में मान लेता हूँ P, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन R1P, वेक्टर R1P, 1 से P की तरफ, ठीक है साहब। अच्छा Q2 बताओ, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, सारे पॉजिटिव है ना, तो किधर होगी बोलो, इस डायरेक्शन में होगी, यानी वेक्टर E2। Q2 टेस्ट चार्ज को इधर भगाना चाहेगा, अब भाई टेस्ट चार्ज को अपन रखेंगे नहीं ना हमेशा, अब तो इमेजिनरी दिमाग में रखना अपने को यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो बता यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वेक्टर R2P। Q3 ले ले, चल पॉइंट P अभी लिख देंगे, अभी रुक जाए यहाँ लिख देता हूँ, चलो P। Q3 की वजह से बोल किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, Q3 की वजह से यानी वेक्टर A3, डिस्टेंस ले ले इसकी कितनी बोल, वेक्टर R3P, शाबाश। Qn की वजह से बता दे भाई डिस्टेंस, बता दे डिस्टेंस जल्दी से कितनी लूँगा, RNP, बहुत बढ़िया, और डायरेक्शन किधर होगी बोल, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गया En, और इनका वेक्टर सम कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ N चार्जेस। N चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्जेस प्लस डैश क्या कर दूं बेटा मैं En, इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको क्या कर दो सम कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाता है बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, क्या जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, और E1 मैं निकाल सकता हूँ, E2 भी निकाल सकता हूँ, E3 भी निकाल सकता हूँ, आसान है कि नहीं है, तो क्या निकालेंगे E1 बताओ किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्टकट में लिखना है बेटा इस तरीके से ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, बताओ Q1 की वजह से कितना होगा, यह लिख देता हूँ मैं वेक्टर E1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन, देख बेटा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, K Q अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 अपॉन में R1P का स्क्वायर, देखना भाई वेक्टर R1P का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा बोलो R1P कैप। अच्छा वेक्टर का स्क्वायर करते हैं ना तो बेटा मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर, खाली क्या लेना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को पैरेलल लाइन में लिखते हैं, आना चाहिए आपको, समझ गया भाई। अच्छा पहला हो गया ये, सेकंड बताओ क्या निकालेंगे इसी तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q2, बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q2, तो E2 लिख दूं Q2 अपॉन, बताओ डिस्टेंस कितनी है Q2 की वजह से, R2P, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2P का स्क्वायर इंटू में R2P कैप। इसी तरीके से किसके लिए निकालेंगे बोलो, E3 की वजह से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q3, किसकी वजह से निकाला भाई Q3 की वजह से, तो बताओ E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर इंटू में R3P कैप। बेटा देख ले वापस से, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, Q1 की वजह से R1 का स्क्वायर, Q2 R2P का स्क्वायर, Q3 R3P का स्क्वायर, Qn RNP का स्क्वायर,
क्योंकि एन की वजह से क्या हो जाएगा, अब लाइन लिख लोगे ना वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू एन, तो बताओ क्या होगा, वेक्टर ई एन इज इक्वल टू के क्यू एन अपॉन में आर एन पी का स्क्वायर इंटू में आर एन पी कैप। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। अरे पूछो कैसे, कमेंट कर दो, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। ई एन इज इक्वल टू के क्यू एन अपॉन में आर एन पी इंटू में आर एन पी कैप। भाई आसान बात है, आसान है, आसान है। वन टू थ्री फोर, चारों की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। डायग्राम नहीं बनाया तो पहले डायग्राम बनाओ, बना लो जल्दी से, लो जल्दी बना लो डायग्राम भाई, ठीक है। हटा रहा हूँ, अब देखो अब क्या कर दूँ बेटा, मैं सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सबको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो देखो ऐड करने जा रहा हूँ, है ना, सबको क्या करेंगे अपन लोग, ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे बताओ, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस डैश डैश कर देते हैं ई एन, है ना, दो बहुत हैं अपने लिए, ई एन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बताओ कितना आएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू ई वन बताओ कितना है, के क्यू वन अपॉन आर वन पी, तो क्या लिख दूंगा मैं, के क्यू वन अपॉन आर वन पी का स्क्वायर इंटू में आर वन पी कैप, बहुत बढ़िया। प्लस ई टू बताओ कितना आएगा, के क्यू टू अपॉन आर टू पी का स्क्वायर इंटू में आर टू पी कैप, प्लस डैश 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 डैश, प्लस एक ही लाइन में लिखना है आपको, तो आपको तो एक ही लाइन में लिखना है ना, आर एन पी, आर एन पी यानी ई एन की वजह से क्या लिखेंगे बोलो, के क्यू एन अपॉन आर एन पी स्क्वायर आर एन पी कैप। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें बेटा वही समीशन वाली स्टाइल करेंगे अपन जो पहले कर चुके हैं ना फोर्स के अंदर, याद है आप लोगों को। देखो कैसे करेंगे, क्या सर कैसे करते हैं भाई, देख ऐसे करते हैं, देख पहले तो देख, के क्यू वन के क्यू टू के क्यू थ्री क्यू क्यू एन सब कॉमन आ रहा है, तो के क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है, सब सबके अंदर आ रहा है ये, तो वन टू थ्री चेंज यहाँ पर हो रहा है चेंज, तो चेंज वाले को छोड़ दिया अपन ने ना। यहाँ देखो मॉडुलस सर सबके अंदर है, मॉडुलस का स्क्वायर सबके अंदर है, सबके अंदर वेक्टर आर है, सबके अंदर वेक्टर आर है, देख बेटा आर 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 है के सर, यहाँ पे छोड़ दो एक तो, और यहाँ पर पी तो है के बेटा, देख पी लिख दिया, वन पी टू पी थ्री पी, और जैसा यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर है कि चल ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये छोड़ दो इसको, यहाँ पर क्या लिख दिया, पी इंटू में कैप। समीशन लिखने से कह रहा हूँ, ये देखिए सिग्मा, डिटेल में तो पहले बता चुके हैं ना इसको। अब देख कैसे करते हैं, वापस सुन, यहाँ वन है तो यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, यहाँ टू है तो यहाँ टू है यहाँ भी टू है, यहाँ एन है तो यहाँ एन है यहाँ भी एन है, जो चीज़ वेरी करती है ना उसकी जगह अपन कोई ले लेते हैं, जैसे मान के चलो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर आई, कहाँ पर लूँगा बोल, यहाँ पर आई ले लिया मैंने, यहाँ पर भी आई लूँगा और यहाँ पर भी क्या लूँगा, आई लूँगा, और आई की वैल्यू बता कहाँ से कहाँ तक है, आई की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक है, एन तक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा छोड़ेंगे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए छोटा करके रख दो उसको, सिग्मा की फॉर्म में समीशन, आई इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। अगर फोर तक होता तो आई इज इक्वल टू वन टू फोर, टेन तक होता है तो आई इज इक्वल टू वन टू टेन। तो ये था बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मैनी चार्जेस, जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। क्लियर हुई बात, नहीं हुई यहां तक, जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है, चलिए रेस्ट करते हैं इसको, अब भाई देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और टाइप देख लेना आप लोगों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उससे मिलते जुलते कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या है बोलो, दो चार्जेस हैं, पहला कितना है 4 माइक्रो कूलम और दूसरा कितने का है 1 माइक्रो कूलम, दोनों को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, दो चार्जेस हैं 4 माइक्रो कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम, दोनों को कितनी डिस्टेंस पर रखा है, दोनों को डिस्टेंस पर रखा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो बताओ ये क्या कहता है, ये 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, दूसरा चार्ज कितने का है 2 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है,
क्या कहता है कि दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस पर आप क्या फाइंड करो, वो पॉइंट फाइंड करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? देख बेटा ध्यान सुनना, 4 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम मान के चल ले। यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज को रख दिया। किसको रख दिया? टेस्ट चार्ज को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फाइंड करना है इस वाली लाइन पर, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा? देख प्लस का 4 कूलम इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, बोल, इस डायरेक्शन में। समझ आई बात नहीं आई? तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है क्या? नहीं है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है बोलो, अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, जैसे मार्कर है, इसको एक तो मैं इधर फोर्स लगाऊं, एक इधर लगाऊं, ये देख, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, एकदम स्टेबल। तो यही पॉइंट मेरे को फाइंड करनी है कि जिस पॉइंट पर ये स्टेबल रहेगा, रुका हुआ रहेगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा उस पर, जीरो। इसका मतलब बताओ, ये तो 4 माइक्रो कूलम है, ये 1 माइक्रो कूलम है, तो ये वाला पॉइंट बताओ कहाँ पर होगा? कहीं ना कहीं 1 माइक्रो कूलम के आसपास होगा जहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज को रख दूंगा। क्योंकि ये तो 4 का है ना, तो ये तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा, तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे को इसके आसपास मिलेगा। लेट सपोज द डिस्टेंस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज एक्स फ्रॉम द चार्ज 1। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी बताओ, ये वाली, चलो ज़्यादा पास हो गया क्या, यहाँ लिख लेते हैं इसको क्यू नोट, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बोलो, 2 माइनस एक्स। भाई समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अगर ये डिस्टेंस x है, टोटल 2 है, तो ये कितनी बचेगी, 2 माइनस एक्स। तो बताओ इस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इधर लगेगा। समझ में आई बात नहीं आई? दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से टेस्ट चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए, तो इसको कहां पर रखें, ये है क्वेश्चन। तो इसको अपन ने रख दिया प्लस वाले चार्ज, 4 कूलम के चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर रखा, एक्स डिस्टेंस पर। इसका मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1, वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। अपन ने क्या मान लिया कि E1 इज इक्वल टू E2, क्या बोल रहा हूँ, E1 इज इक्वल टू E2 कौन से वाले पॉइंट पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो E1 इजिली फाइंड कर सकते हो आप, E2 फाइंड कर सकते हो। E1 बताओ कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला होता है K Q1 upon R1 का स्क्वायर। तो देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं सीधी, K Q1 कितना है बोलो, 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बताओ कितना होगा, K Q2 कितना है, 1 माइक्रो कूलम अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फाइंड करना है मेरे को, एक्स फाइंड करना है, क्योंकि मैंने क्या माना कि एक्स डिस्टेंस पर इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, यानी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो बताओ देखो क्या क्या काटा, के से तो के गया, माइक्रो से माइक्रो गया, कूलम से कूलम मत काटो, है ना, अच्छा काट सकते हैं वैसे। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, 4 कूलम अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गई भाई बात नहीं आ गई, 4 अपॉन x² इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x की। दो तरीके, या तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँ, होल स्क्वायर खोलने पर मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं भाई। रूट लेना आसान है क्योंकि ये देखो स्क्वायर की फॉर्म है, दोनों तरफ का अंडर रूट लेता हूं मैं, तो 4 का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा बोलो, 2। एक्स स्क्वायर का मैं रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर एक्स, इक्वल की जगह इक्वल, 1 की जगह 1, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। वापस समझना, क्योंकि अपन लोगों ने रूट ले दिया, तो 4 का 2, x² का x, 1 का 1, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 2 माइनस एक्स, ठीक है साहब। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, x की। तो बज्जर गुणा कर दो ये वाला, तिरछा वाला। तो देखो 2 × 2 − x इज इक्वल टू x है भाई, समझ में आ गया ना, इसको मैं इधर लेकर के आ गया, तो x × 1 किधर चला गया, इधर चला गया। 2 × 2 कितना होता है बोलो, 4, माइनस 2 × x कितना होगा, 2x इज इक्वल टू x, माइनस का 2x उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 2x कितना हो गया बोलो, x प्लस 2x 3x, 4 इज इक्वल टू 3x, या फिर x इज इक्वल टू 4 upon 3 meter। कितना रखना पड़ेगा भाई, 4 upon 3 meter पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है बात, समझ आ गई भी बात नहीं आ गई, x इज इक्वल टू 4 upon 3 meter पर इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, मतलब फोर्स क्या होगा, जीरो। कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ट्रायंगल पर चार्ज को रख देगा,
या फिर एक स्क्वायर पे चार्ज को रख देगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को कैसे सॉल्व करने, देखो सपोज कर लो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल इसके अंदर मोस्टली इक्वेटोरियल ट्राइंगल होंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्वेटोरियल ट्राइंगल जिस पर एक जगह तो मान लो चार्ज रखा हुआ है प्लस के 6 कूलम और दूसरी जगह चार्ज कितना है माइनस के 8 कूलम। देन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू बोथ दीज चार्जेस। समझ आई बात नहीं आई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मुझे किस किस की वजह से, जो चार्ज बी और सी पर रखा हुआ है उनकी वजह से वर्टिक्स ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे करना अपने को, तो भाई आसान तरीका निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो, ये पॉइंट ए अभी रेज कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ए को चलो अभी हटा देते हैं। देखो प्लस का 6 कूलम चार्ज है, प्लस के चार्ज की वजह से बताओ इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा पॉइंट ए पर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये आया अपने पास कितना, ये आया अपने पास में ई वन, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पर नेगेटिव फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई अपने पास में ई टू, ये ई वन ये ई टू। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, याद है क्या प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन अपने क्या कर दिया, ये कर दिया। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वेक्टर ई वन प्लस के वेक्टर ई टू, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखो भाई, जब भी दो वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी थीटा एंगल पर हों, कितने एंगल पर हों, थीटा एंगल पर, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ, रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। समझ आई बात नहीं आई? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, दो वेक्टर हैं थीटा एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आप देखें तो कितने वेक्टर्स हैं बताओ, दो वेक्टर्स हैं ई वन और ई टू। अच्छा कितने एंगल पर रखे हुए हैं ये, अच्छा एंगल निकालना है सर, ठीक है। देख बेटा कौन सा ट्राइंगल है बोल, इक्वेटोरियल ट्राइंगल है, मान लो इनकी साइड क्या है ए है, इसकी साइड ए, तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी। और इक्वेटोरियल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। दैट मीन्स अगर ये एंगल 60 डिग्री का है बेटा तो ये बता कितने का बचेगा, 120 डिग्री का। कितने का बचेगा भाई ये, 120 का। समझ रहा है, समझ रहे हो भाई, ये 60 डिग्री तो ये कितने का बचा, 120। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितने का हुआ टोटल मेरा, 180 का हुआ। क्लियर है भाई? अच्छा अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं अपन लोग मैग्नीट्यूड। सबसे पहले E1 निकाल लेता हूँ मैं, क्या निकाल लेता हूँ, E1। E1 बताओ क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना लिखूंगा बोलो मैं, 6 कूलम अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये भी ए है ना। ई टू, ई टू निकालो, के क्यू टू, क्यू टू कितना है बोलो, 8 क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में अपन लोग डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं फिर वहाँ डायरेक्शन में लिख देते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड, माइनस का 8 हो प्लस का 8 हो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कूलम के फोर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें भी क्या लेते हैं अपन लोग, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा? अब देखो अब क्या निकालना है मेरे को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करते हम लोग, ई नेट मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा, कॉस थीटा 120 अपना। समझ आई बात नहीं? अब देखो अब अगर आप सीधा ई वन और ई टू की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे, देखना एक बार। इसमें देखो कॉमन क्या है बेटा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसमें देखना के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो दोनों के अंदर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो दोनों के अंदर है। तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को मान लो आप E, क्या मान लें हम लोग, E मान लेते हैं, या E नेट लिख देता हूँ मैं। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्या मान लिया मैंने, E, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 6 इंटू में E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा बोलो, 8 इंटू में E, और E क्या माना है बोलो मैंने, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। भाई ध्यान सुनना, ये पूरी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इजी वे में करते हैं। कैसे करते हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन था, तो ई बराबर क्या मान लिया मैंने, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या बचा 6e, यहाँ पर क्या बचा 8e। अब बताओ ये वैल्यूज यहाँ पुट करना क्या रहेगा हमारे पास, आसान रहेगा, समझेगा बात को। अच्छा अब देखते चलो आप, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई वन का स्क्वायर, ई वन स्क्वायर मीन्स 6e स्क्वायर प्लस ई टू, ई टू का मतलब हो गया 8e स्क्वायर प्लस 2, ई वन का मतलब 6e, ई टू, ई टू का मतलब 8e, ई टू का मतलब कितने आई 80, प्लस के क्या आएगा बोलो, कोस 120, सॉरी इंटू में क्या आएगा, कोस 120, इंटू में क्या आ रहा है भाई, कोस 120, कोस 120 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1/2, कितनी होगी माइनस के 1/2, ध्यान रखना इसको, कोस 120 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो देखो यहाँ पर ई नेट फाइंड करना है, 6 का स्क्वायर बोलो कितना होगा 36, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 864 और ई स्क्वायर प्लस, देखो नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 6 = 12, 2 × 6, चलो एक बार वो लिख लेते हैं, 2 × 6e इंटू में 8e इंटू में कोस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस के 1/2, समझ गए। देखो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 से तो 2 निकल लेगा, आसान है, इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा 36e² प्लस 64e² 100e², कितने e² होगा ये बेटा 100e², इसका मतलब ये 100e² प्लस 6 × 8 कितना होगा बोलो 48, 6 × 8 कितना होगा 48, e × e² 48e², साथ में कौन सा साइन आएगा बोलो माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस के 48e², ध्यान रखें भाई, माइनस के 48e² इज इक्वल टू 100e² माइनस के 48e², 100 में से 48 गए तो कितने बचे, 100 में से 48 गए तो 100 में से 52 कितने बच जाएंगे बेटे 52e², ई तो बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा ई अंडर रूट 52। अब यहाँ ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई कितना है बोलो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, देखो इधर, तो ई नेट इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट में 52, ये आ गया हमारे पास में टोटल आंसर। अब देखो कैसे भी दे दे क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यूज डायरेक्ट यहां पर पुट नहीं करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो यहां पर हम लोग इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इसको नोट कर लो। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम लोग इस वीडियो को ख़त्म, इसके बाद आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। तो आज हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को मिल चुकी है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें खूब जोर लगा के।